नौजवान भाई यजीद मुस्तमी ने कुंडा नहीं खड़काया दरवाजे दे विच वेख्या मां सजदे च फिर रोंदी मां सजदे च रो के कहन लगी अल्लाह अज 30 साल गुजरे मेरा भाई यजीद भी छड़ गया आई अम्मी ने अर्ज की अल्लाह ओदी मां कोल कोई नहीं मैं मां दुआ देनी आई मेरे बाप यजीद नु ठेडा ना लग जाए मेरे बाप यजीद नु ठोकर भी ना लगे मेरे बाप यजीद नु तत्तीवा ना लगे अर्ज की अल्लाह मेरे पुत्र दियां खैरां करनियां नी ओदी मां कोल कोई नहीं ओदा ख्याल कौन रखेगा अर्ज की अल्लाह जिथे भी वसदा मेरे बाप यजीद का ख्याल रखना ही बाप यजीद दियां चीखा निकल गईयां ख्याल आया अम्मा तेरी साल मिलन नहीं आया तू आज भी सजदे च दुआवां पई करनी है हजूर खाजे खाजगां सुल्तानुल आलिफीन हजरत खाजा बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपने किसी ने पूछा है मर्तबे किवें ले किथों है मुकाम ले ए ओ बाबा है एक दिन मुरीदीन बैठे बैठे थे आप दी कैफियत बन गई अखां विच खून जारी हो गया थोड़ी देर के बाद जब कैफियत ठीक हुई तो मुरीदां पूछा हजूर एक केड़ी कैफियत सी आपने फरमाया मैं रूहानी परवाज करदा करदा खुदा दे अर्श ते चला गया ते मैं अर्श नूं पुछया अर रहमान अलल अर्श इस्तवा मैं सुनिया मेरा रब अर्श ते रहंदा है ते मेरा रब ते वखा ते अर्श ने मैनूं पुछया तू कौन है मैं आख्या मैं बा यजीद बुस्तामी आ ते अर्श कहन लगा बा यजीद फिर वापस चला जा तैनूं ते खुदा ने एक बारी आख्या मैं अर्श ते वसना मैं अर्श नूं रब रोज 70 बार कहता कि मैं बा यजीद के दिल में वसना वा ओ खाजा बा यजीद बुस्तामी जिदी इबादत फरिश्ते वेखन आते सन बेटा पैसे जितने लेने लगे ठीक है नहीं एक मिनट जी तुसी हुण मैं इन्हां नाल भी गल कर छोटे पैसे जिन्ने मर्जी बेटा ले जो शोर ना करो बेटा तकरीर डिस्टर्ब कर रहे हो तुसी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत तुसी थोड़े जे अगे आओ तुसी अगे आओ नारे रिसालत तुसी भी अगे आओ थोड़े जे नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलामी ए रसूल में ग्रामी कदर ख्वाजा बा यजीद बुस्तामी ने किसे पूछा है मुकाम कितों लिया आपने फरमाया बचपन च जदों मेरी 4 साल 4 महीने ते 4 दिन उम्र हुई ना ते मेरी मां मस्जिद दे कारी साहब को लै गई ते अर्ज कीती हुजूर आ मेरे पुत्र नु कुरान पढ़ाओ किड़ियां चंगियां मावां सन कुरान पढ़ा दिया सन ताकि कुरान पढ़ेगा तेनों मापिआं दी आत्मा दा पता चलेगा ना तुसा गौर नहीं किया जो बच्चा कुरान पढ़ के आवे ट्यूशन पढ़ के आवे स्कूल तो कॉलेज तो आवे ते मामा दी आदत होंदी पुछ दिया मेरा पुत्र की पढ़ के आया खाजा बा यजीद अम्मी ने रोज पूछना मेरा बेटा की सबक पढ़ के रोज सबक सुनाना एक दिन बड़े परेशान आए 4.25 साल उम्र अम्मी ने पूछा क्यों परेशान हो अर्ज की अम्मी अज कुरान पाक च एक आयत पढ़ी उस आयत ने बड़ा परेशान किया अम्मी ने पूछा वो कड़ी आयत है जिन्हें तेनों छोटे जनों परेशान कर दिता है अर्ज की अम्मी अल्लाह कुरान फरमाता अनिशकुर ली वाली वाली तई अल्लाह फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करो ते मापिआं दा भी शुक्र अदा करो मां जी पुछदी बेटा इहदे च परेशानी वाली गल कि अर्ज की अम्मी जी मैं छोटा जिहा बच्चा मेरे को दो काम तो नहीं ना होने या अपना करा लो या रब दा करा लो पता चलिया सिर्फ पढ़ते नहीं सन नाल नाल अमल भी कर दे आख्या अम्मी जी दो काम नहीं होने छोटा जिहा बच्चा या अल्लाह का करवा लो या अपना शुक्र करा लो मां बड़ी सियानी सी अम्मी फरमा दी जा वे पुत्र मैं तेनों अपना हक ही माफ किया तू जा पर रब राजी कर ते मां दे ज़हन च ख्याल आया मैं भी ते वेखा भला मावां दे बगैर रब मन किवें जांदा है खाजा बा यजीद बुस्तामी फरमांदे ने बचपन च घरों निकलिया 30 साल मैं जंगलों च इबादत की बड़े बड़े बलियां की खिदमत की बड़ा ज़ुहद ते तकवा कमाया 30 साल के बाद फरमाते मैं सर्दियों की शाम का वेला तो मैंने ख्याल आया मैं वेखा मैं भला मैं वलायत की कि मंजिल से पहुंचे हाँ आप फरमाते ने मन का दिल छाती मारी तो दिल खाली जेड़े रब नूं लभण तुरिया लभा ही नहीं ख्याल आया 30 साल च रब नहीं मिलिया चल हुण मां मनाईए सर्दियों की आज शाम का वेला दौड़े घर दरवाजा खड़कान लगे तो अंदरों मां दे रोण की आवाज पई आवे
नौजवान बायजीद मुस्तमी ने कुंडा नहीं खड़काया दरवाजे दे विच वेख्या मां सजदे च फिर रोंदी मां सजदे च रो के कहन लगी अल्लाह अज 30 साल गुजरे मेरा बायजीद भी छड़ गया आई अम्मी ने अर्ज की अल्लाह ओदी मां कोल कोई नहीं मैं मां दुआ देनी आ मेरे बायजीद नु ठेडा ना लग जाए मेरे बायजीद नु ठोकर भी ना लगे मेरे बायजीद नु तत्तीवा ना लगे अर्ज की अल्लाह मेरे पुत्र दिया खैरां करनियां नी ओदी मां कोल कोई नहीं ओदा ख्याल कौन रखेगा अर्ज की अल्लाह जिथे भी वसदा मेरे बायजीद ख्याल रखना ही बायजीद दिया चीखा निकल गई ख्याल आया अम्मां मैं 30 साल मिलन नहीं आया तू अज भी सजदे च दुआवां भी करनी है आपने रो के दरवाजा खिड़काया अम्मी ने पूछया कौन है रो के कहन लगी अम्मां दरवाजा खोल तेरा परदेसी आया ही अम्मी ने दरवाजा खोलिया मां ते पुत्र सीने लगे रोंदे रहे अद्धी रात तक मां ते पुत्र गल्लां करदे रहे अद्धी रात रात डल गई अम्मी ने आख्या मैं तहज्जुद पढ़नी है तहज्जुद वास्ते थोड़ा सोना पैंदा है ते बायजीद मैं थोड़ा आराम कर लवां नौजवान मां दा बिस्तर बिछाया मां दी अख लग गई अज अपना बिस्तर पे बिछांदे ने ते सुतिया मां दी आवाज आई वे बायजीद पानी पिला अजा बायजीद नु ख्याल आया करी साल रब दिया मन दारियां अज मां दी मनन दी वारी आई है देखिया घड़े च पानी कोई नहीं दूरों जाग कुएं तू पानी लेके आए सर्दी दी रात मां दे सारा ने प्याला पड़ के खड़े रहे अभी दी अख फजर वेले खुली अम्मी ने बह के आख्या वे बायजीद सुता नहीं अर्ज की अम्मा सुता नहीं किधरे मां दबिया दब नायो जावा ओ लोगो मां ने पानी नहीं पीता अति जो की अर्ज की अल्लाह तेरी साल तेनु राधी करदा रहा है अज मां राधी कर दिती है मैं मां दुआ करनी आओ मेरे पुत्र नु वलियां दा इमाम बना दे फरमा दे रबे कावा दी कसम अजे मां ने मुंह दे हाथ नहीं फेरे अल्लाह मेनू वलियां दा इमाम बना दितो कदम फड़ के कहन लगी अम्मा माफी दे दे जेड़ी विलायत जगला च ढूंढदा रहा मैनू की पता सी मेरी मां दे कदमा थल्ले पई हुई ताजदारे खत्म नबूवत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर नारे हैदरी नारे हैदरी ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅਬੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਢ ਕੋਈ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰਾਉਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰਾਉਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮੂਸਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਘੂੜਾ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ
मूसा की बहन ने बुला के ना बाद ने लिखा कि हजरत मूसा की बहन का नाम सी कुलसूम ते बुला के ते मां कहती है इंज करी दरिया के किनारे किनारे ना पंगूड़े दे नाल नाल टुरदी जावी वेखी मेरे मूसा किधरे डुब ना जावे उधर मां की मुहब्बत वेख ते उधर बहन की वेख कुरान पाक च यार ओ मूसा अलैहि सलाम नो मां ने जो दरिया के हवाले किया ते बहन दरिया के किनारे किनारे टुरदी वीर दे पंगूड़े दे नाल टुरदी जा रही रोंदी आ गई मां दा कलेजा खंभ गया ते वेख के ते फरमा दिया नहीं कुलसूम मेरे पुत्र नु की होया आख्या मैं डुबा तो नहीं पर वो जेड़े फिरौन को बचाना सी ना रुड़ता रुड़ता वो महल च टुर गया अल्लाह ने फरमा मूसा दी मां नूं अल्लाह ने फरमाया वा अलकई तो अली का मुहब्बत मिन्नी वल तुसना अला आईनी अल्लाह ने फरमाया ए मूसा दी मां जे इस मूसा नूं मैं फिरौन दे वेड़े ना पाला तो मैनू मूसा दा रब कौन आखे मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ बहन वीर दे पंगूड़े दे नाल टुरदी जा रही एक बहन मैं तुहानू सुनावा हज़रत यूसुफ दी बहन वीरां नाल प्यार करने वाली है जदों वीरां ने आख्या ना ओ वीर ते यूसुफ दे भी सन पर खूह च सुटन वाले भी वीर ही सन एक कायनात दी तारीफ है कुरान गवाह यूसुफ वर्गे सोने भरा नूं खूह च सुटन वाले भी वीर ही सन करबला विच हुसैन वर्गे वीर तो बाजू कटान वाले भी वीर ही सन ताइयों ते मियां साहब ने फरमाया वीर वीरां दे वैरी हुंदे ते वीर वीरां दियां बाहां हैं कदे वीर वैरी बन जांदे ते कदे बाहां बन जांदे पर भैणां दी जदों गल आवे ना ते वीरां जदों आखे ना अब्बा जी यूसुफ नूं जरा साडे नाल डेरे ते भेजो ना इहनूं डेरे ते सैर करा के लियाईए तुसां कदे कल्लिआं नूं जाण नहीं दित्ता ते अब्बा जी ने आख्या अच्छा दोपहर दा वेला सी ते बाजी आपदी बहन दा नाम सी ज़ैनब सुती अल्लाह दे नबी हजरत यकूब ने जदों यूसुफ नूं टोरिया ना वीरां दे नाल ते आप खलो के एक दरख्त सी उत्थे दरख्त तक लोग विद्या करन आउंदे सन हजरत यकूब दरख्त खलो के पुत्र नूं विद्या करे पुत्र ओह सामने डेरे ते जा रिहा है ते जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही बाप कोलों बहन घर बेच सुती अचानक बहन ने ख्वाब देखा कि मेरा यूसुफ है ते यूसुफ नूं 11 भेड़िए पै गए अख खुली ते रोंदी वेख्या ते घर च वीर भी कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं दौड़ी बाहर वेख्या ते अब्बा जी दरख्त दे साए थले खड़े दौड़ के ते ज़ैनब आके कहंदी अब्बू जी मेरा वीर यूसुफ किथे वे इशारा करके फरमाया आओ वीरां दे नाल पिया जांदा है बहन रो के अर्ज कीती बाबा मैं ख्वाब विच वेख्या मेरे वीर नूं भेड़िए पै गए ने इन्हों ना जान दिया जे अल्लाह दे नबी यकूब ने बेटी नूं फड़ के सीने लाया ते मत्था चुम के फरमान लगे तीए तेनू ते हुण ख्वाब आया ना मैनू ते यूसुफ दे बचपन तो पता लग गया सी जिहड़ा यूसुफ ने ख्वाब वेख्या सी कि 40 साल दियां जुदाइयां पै गईयां ने दुआ करी अपने वीर यूसुफ वास्ते 40 साल दियां जुदाइयां दे के जा रहे ओ भैणां नूं ख्वाब आ जांदे वीरां दे मावां दे दिल दियां धड़कनां तेज़ हो जांदियां जदों पुत्तर आ जावण जिन्हां दा असल नाम सी खुज़ाफ़ा बिन्त हारिस प्यार नाल शीमा कहिंदे सन नबी करीम ने बचपन च लोरियां देने वाली कदे कदे हजूर ने सुते आना इन शीमा ने उची उची बोलना अमाली मैं झिड़का मार के कहनी है खामोश रह तेरा वीर सुता है ते कहना एदे वास्ते ते उच्चा बोलियां उठे मैनू लोरियां देवा मेरा दिल नहीं पिया लगता ओ शीमा मेरे नबी ने लोरियां देने वाली शादी हुई ना जदों आपदी ते आपदे कबीले दे कुछ लोग सहाबा ने गिरफ्तार कर ले बड़िया कोशिशां कबीले वाले कीतियां ते सहाबा ने छोड़े ना ते ओ हजरत बीबी शीमा ने पुछया मेरे कबीले दे लोग क्यों परेशान ने आख्या को मुहम्मद ने मदीने रहंदे ने ते उन्हें गिरफ्तार किए ने जदों मुहम्मद सुनिया ना ते बहन नूं ख्याल आया मुहम्मद दुनिया च इक्को ही मेरा वीर है कह लगी एक बार मैनू मदीने लै जाओ मैं सारे ही छुड़ा के लै आवांगी कबीले दे सरदारां ने आख्या उत्थे बड़े बड़े सरदारां दियां नहीं चलदियां तू कबीले दी एक आम औरत है तेरा मुहम्मद नाल रिश्ता की है कहन लगे एक बार मैनूं मुहम्मद दे सामने लै जाओ फिर मुहम्मद दसणगे मैं उहदे की लगदी हां कबीले वाले जदों लै के आए ना तड़प जाओगे मेरे भाई आते च पढ़िया जदों बीबी शीमा मेरे नबी दे सामने आई ना
ते सरकार दी बाजी मेरे नबी नू वेख के फरमा दिया ने मैनू पहचानिया जे। हजूर ने वेख के फरमाया बीबी तू कौन है। इमाम इब्ने कसीर ने इत्थे गल लिखी मैं पढ़ के तड़प गया। उस वेले हजरत बीबी शीमा ने इस तरह करके ना अपने कंधे तो इस तरह थोड़ा जा कपड़ा हटाया ते कपड़ा हटा के रो के फरमा दिया तेनू मैं बचपन च इनिया लोरियां दित्तियां कि तेरे दंदा दे निशान अज भी मेरे मोढ़िया ते लगे हुए ने। हदीसे पाक के चांदा हजूर उठ के रोन लग पे। मेरे नबी फरमाया मेरी बाजी शीमा आई, मेरी बाजी शीमा आई। सैयद आलम ने उस वेले बाजी नू सीने ला के करीब बिठा लिया। पता नहीं किन्नी देर तक दोवें बहन ते भाई रो रो के अम्मा हलीमा दियां गल्लां करदे रहे। नौजवानों जद बाजी उठी ना ते मेरे आका ने फरमाया बाजी किधर आईयां सो। अर्ज कर दियां सोणिया मैं जद कबीले चुटड़ी सां ते मैं बड़े दावे ते नाज ना कह के आई सां वीर कोल चली हां। मेरे मान ना तोड़ी सोणिया मेरे करीम आका दियां खचतरू ते हुज़ूर ने रो के फरमाया बाजी मंग जो मंगना है। अर्ज कर दिया सोनिया मेरे कबीले दे सरदार नाल आए ने मैनू शर्मिंदा ना करी। हाँ मेरे कबीले दे लोग तुहाडे लोगां गिरफ्तार किए ने इन्हां नूं आजाद कर दे। बस बाजी ने इन्ना ही आख्या। सैयद आलम ने रो के फरमाया साहबा जल्दी करो सारे कैदी मेरिया जुल्फां तों निसार सारे आजाद कर दियो। सारे आजाद कीते ते कैदी लैके जदों मेरे नबी दी बाजी टुरी ते मेरे नबी ने ऊंट दिते बकरियां दितियां दो नौकरानियां ते दो गुलाम नाल दिते ते कयामत तक कौन वाली उम्मत नूं दस्या जदों तियां ते पैणा बूवे आ जाण खाली ना टोरिया जाए मुहम्मद वांगू टोरिया आ जाए। अज ते ती ते पैण हिस्सा मंग लवे जायदाद च लोक मुकदमे ते आ जांदे कतल करन ते आ जांदे। पुछ मुस्तफा कोल बेटी दी शान पुछ मुस्तफा कोल बहन दी शान ते बेटी सरकार उमरा करके एक दिन मक्के तो मदीने वाल टुरे ते एक निक्की जी बची आके मेरे नबी नूं जफा मार लिया ते कहंदी या रसूल अल्लाह मैनूं कल्या छड़ के ना जायो मेरा मक्के कोई नहीं। इमाम बुखारी ने फरमाया बेटी तू कौन है। गौर किया ते बेटी ते मेरे नबी दे चाचा हजरत अमीर हमजा सरकार दी बेटी हजरत उमामा रजी अल्लाह तआला ने नबी करीम सीने ला के बेटी नूं ते बड़ी देर रोंदे रहे। हजूर ने फरमाया साहबा इस बच्ची नूं कौन पालेगा। मौला अली उठ के खलोगे अर्ज की मैं पालांगा। फरमाया केड़े रिश्ते नाल। अर्ज की सोना तेरे चाचे की बेटी ते मेरे भी चाचे की बेटी है ना। हजरत जाफर तैयार उठ के खलोगे अर्ज की हजूर मैनू दे दो मैं पालांगा। फरमाया तुहाडा बच्ची नाल रिश्ता की है। अर्ज की एक ते चाचे की बेटी है दूसरा इस बच्ची की खाला मेरी बीवी है मेरे दो रिश्ते ने बच्ची नाल। हजरत जैद बिन हारसा उठ के खलोगे अर्ज की सोने बच्ची मैनू दे दो मैं पालांगा। फरमाया किहड़े रिश्ते नाल। अर्ज की अमीर हमजा मेरे यार सन ना यह मेरी भतीजी लगती है। मेरे नबी फरमाया बच्ची जाफर तैयार नूं दे दो क्योंकि माँ के बाद खाला का सब तो ज्यादा हक होंदा है। लाहौर वाले हो मैं दसना चाहना जो मेरा नबी नहीं ना आया किसी घर बेटी पैदा होती है ते एक उठ के कहंदा मैनू दे दे नू मैं मारांगा। कोई कहंदा मैनू दे दियो मैं मारांगा। कोई कहंदा मैनू दे दियो मैं मारांगा। तेरे आऊं तू सदके जावां हुण कोई कहंदा मैनू दे दियो मैं पालांगा। कोई कहंदा मैं पालांगा। कोई कहंदा मैं पालांगा। तियां दियां लाजां रख लिया मेरे माही ने। एक दिन सरवर आलम मदीने दी गली च जा रहे ते सोहना जिहा नौजवान मिलिया उहदा नाम है दहिया कलबी। इतना खूबसूरत है कि चेहरे पर नकाब रखता है क्योंकि औरत हुस्न वेख के फितने में मुब्तिला ना हो जाए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं इतना हसीन कि औरतें दरवाजे पीछे छुप के उधर रास्ता उड़ीक दिया सन कि कदू गुजरे तो वेख लेंगे। मेरे नबी ने सोहना लगा। रात को नबी करीम ने सजदे चोदे वास्ते दुआ की थी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक लिसलामा दहियता कलबी। अर्ज की या अल्लाह एडा सोहना बनाई तो दोज़ख च साड़न लई बनाए इन्हों मेरी गुलामी अता कर मैनू जन्नत दा वारिस बना दे। रात में दुआ की सुबह दहिया कलबी रोंदे नबी पाक दे कदमा जागे ते अर्ज की मैं 700 अफराद दे कबीले दा सरदार हाँ मैनू पैगाम सुनाओ जिहड़ा अल्लाह ने दे के भेजा। नबी पाक ने अल्लाह दा ते अपना पैगाम सुनाया। उन्हें अर्ज की मैं कलमा ते पढ़ लवां मगर गुनाह ही ना कीते ने रब ने माफ ही नहीं करना। फरमाया तो मेरा कलमा पढ़ मेरा रब नाल एग्रीमेंट जिहड़ा मेरा हो जिहड़ा उहनूं कुछ नहीं कहता। कलमा पढ़िया तो रोई जा रहे मेरे आका परमा क्यों रोना है। अर्ज की सैयद आलम तेरे रब ने सारे गुनाह माफ कर देने ने एक गुनाह तेरे रब ने माफ नहीं करना। फरमाया वह भी सुना। अर्ज की मैं जिहड़े कबीले दा सरदार सी पुत्र पाल लैने आ ते बेटियां जिंदा ही दफन कर देने 70 बच्चियां अपने कबीले दियां जिंदा दफन करके आए।
लाहौर वाले आज भी कई जालिम लोग ऐसे ने किसी के घर एक दो तीन चार बेटियां पैदा हो जावन ना ते कहंदे ने बड़ा अफसोस होया तुहाडे घर फिर बेटी पैदा हो गई। जड़ी मां दे घर बच्ची पैदा हो जाओ मां रोन लग पैंदी है कि मैनूं सारे महीने मारने ने तेरे घर बच्ची पैदा हो गई। पर तुस नबी दा कलमा पढ़िया जिस नबी दे घर चौथी बेटी फातिमा पैदा हुई ते फरिश्ते मुबारक दे नाल सारे कुरान मजीद चाला ने फरमाया यह बोली मैं यशा उबिनाथम व यह बोली मैं यशा उजकूर। अल्लाह फरमांदा मैं जिन्नू चाहा बेटियां देवा जिन्नू चाहा बेटे देवा। अल्लाह ने कुरान च पुत्रां दा जिक्र बाद च कीता ते धीआं दा जिक्र पहले जवाब नहीं होगा। कल भी अर्ज की मैं 70 बच्चियां दफन करके मेरे नबी जारों के तार रोए थे जबरील आके अर्ज की अल्लाह फरमांदा रो ना इन कह दो पिछले गुनाहों की माफी हो गई आईंदा ना करी माफी मिल गई दहिया फिर रोने फरमा हूं क्यों रोना। अर्ज की हबीबे दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी एक गुनाह याद तेरे रब ने वो नहीं माफ करना फरमा वो भी सुना। अर्ज की मेरे घर बच्ची बच्चे की विलादत का वेला से मैं दूर दराज किसी हिंदुस्तान के मुल्क तजारत लिए कई साल वास्ते जा रहा तो बीबी कह के गया पुत्र होया पाल लवी तो बेटी हुई तो जिंदा ही दफन करा दे। या रसूल अल्लाह मैं कई साल के बाद घर आया तो आके दरवाजा खड़काया तो छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया बच्ची पूछती तू कौन है मैं पूछा तू कौन है इन्हें तीन प्यों से बड़े ही माण होंगे को भाई अपनी बहन झिड़क मार दे ना तो बाप कहता ना झिड़का मारो तुहाडा की खांदी है इहदा प्यो अजे जिउंदा है। उस वेले तीन दिल च कहंदियां रब्बा मेरा प्यो जिउंदा ही रहे ईद दिन भी आ जावा ना तो वीर तू कपड़े नहीं मंगदियां अबू को मंगदियां ने क्योंकि इन्हें निमान ही उन्होंने पता होंगे वीर इनकार कर लेंगे ने पर बाप बेटिया ने इनकार नहीं करते तिया का मन बाप होंगे ने नहीं तो पुछ जाके किसी उस यतीम को जिदा बाप तुर गया उस बच्ची ने अपने बाप के खरे किन्ने को मान सन कि जो दाइया कल भी पूछे ना तू कौन है वह बच्ची अपना नाम नहीं दसिया कह लगी आने वाले मैं अपने अबू की बेटी हाँ मैं बाबा की बेटी हाँ मैं इस घर के मालिक की बेटी हाँ। अर्ज की कमली वाले मेरे लबा च निकल गया जो घर के मालिक की बेटी है तो घर का मालिक तो मैं इस घर का मालिक अर्ज की कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरिया लता और ले आओ रो के कहन लगी बाबा कितने टुर गया से मैं ते तेरिया रावा वेखदी रही हूं मैं तेरिया उड़ीकां करदी रही हूं अर्ज की सोने बच्ची नु धक्का मारे आओ अपनी बीवी नु पुछे कौन ने उदी मां ने हाथ जोड़ ले ते कहन लगी दा या मरी ना तेरी बेटी ही अपनी मां दी जवान है। अर्ज की कमली वाले बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है इनी प्यारी बच्ची मेरे खून खुला मारे आओ दिल की ता बेटी नु सीने न लगाओ लवाओ फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साड़ियाँ दबन करदा रहे अकली नु सीने न लगा के रखे आई अर्ज की सोने मैं बीवी नु या कहू तैयार कर दफन कर आवा कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे अर्ज की सोने दी मां ने कदम फड़ ले कह लगी दया मरी ना एदी मां मर जाएगी अर्ज की सोने बीवी नु थका मार आओ अपनी बेटी नु लेके जंगल वल जा रहे आओ वो बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है तैनू प्यार कर दी है नले खंदी है बाबा किते टुर गया तैं मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हूं मैं तेनू वाजा मारदी रही हूं मैं कहंदी सा मेरे बाबा आउणगे खिलौने लैके आउणगे मेरे बाबा ने जोड़े लैके आउणा है वे बाबा आ गया है जोड़े लैके नहीं आया हो आजा बाजार चलने मैनू जोड़े लै दे बाबा खिलौने लै दे कदे नौन के नहीं गई
कहती सबा पे हो गए नानके जावगी बाबाया जा नानके चलने अर्ज की सोने मैं बची नल बोल दई नहीं औलादा वाले बची नाप दे चाओ चढ़े हुए नहीं अर्ज की सोने मैं बची जंगल च लै गया ओनू धुप्पे बिठाओ के ओरी कबर खोद रहे वो बची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पी लादी है नाले कहती है बाबा छवे आ जाओ बड़े साल थके आया है आ जा घर चलने अर्ज की सोने मैं बची नाल बोल दई नहीं औलादा वाले अद्धी रात वेले अज भी बाप घरे आवे पुत्र सौ जाते ने अज भी धीए प्यों दिया राव उड़ीक दिया अज भी बाप घरे आवे कोई नसीबा वाला पुत्र बाप दे सीने लगदा हो अज भी धीए दौड़ के प्यों नूं जफ्फे मार लैंदियां अर्ज की सोने कबर तैयार होई बची करी पाई मैं कबर च धक्का मारे बची दिया चीखों निकल गई मैं मिट्टी पाता रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले ते कहन लगी बाबा मरी ना मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही ते बाबा मरी ना जे मेरी सूरत जगी नहीं लगी कदे संभले नहीं आवांगी बाबा मरी ना न खिलौने नहीं मगदी बाबा मरी ना इको जोड़े च जिंदगी गुजार देवांगी ते बाबा मरी ना मैं नानके भी नहीं जांदी अर्ज की सोने तरस ना हो आया न मिट्टी पाता रे बब कर दी रही सोने मेरी रात की नींद मुक गई आई मेरे दिन का आराम खत्म हो गया अज भी रात न लेट ना हो कन्ना चोदिया बाबा बाबा दिया आवाजें आदियां अर्ज की सोने उन्हें निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती वारी ना तेरी बेटी मार जाओ पर जांदी वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोने तरस ना आया मैं मिट्टी पाता रहे वो बची ने आओ समा उन्हें वाले वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां धीआं नूं पैदा ही क्यों करना कदों तक मरदियां रहांगियां कह लगी मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आओ के बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कह लगी वे आउण वाले आ जरा जल्दी आ जा दियां मर चलियां नी अर्ज की कमली वाले बची दफन हो गई मेरे आका ना रहे सरकार दी दाड़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे मेरे आका ने फरमाया दाया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मदियां उड़ी कहीं कर दी टुर गई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहदाई अकल भी दूसरी बारी गल सुनाई तो मेरे आका फरमाया एक बारी फिर सुनाओ तीन बारी गल सुन के हजूर ने फरमा सुनो जेडे बेटिया नाल प्यार नहीं करते मेरे आका फरमा जिन्होंने रब दो बेटिया दे एक हदीस च फरमा तीन बेटियां इमाम तिरमिज़ी फरमा के हजूर ने फरमा जिन्होंने रब दो बहना दे यानी जेदे ते बहना ते बेटिया की जिम्मेदारी आ जाए फरमा मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन नूं पाल के जवान करके उदी शादी करे फरमा कयामत नूं जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी।